अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू चैनल कुक विद फिम। आप सभी के सपोर्ट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दिल से। आज आप लोगों के साथ मछली का सालन यानी फिश करी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। और ये साउथ इंडियन स्टाइल नेल्लूर स्टाइल फिश करी है। इसे बनाना बहुत आसान है और ये काफ़ी टेस्टी बनती है, आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करें। तो चलिए ये मज़ेदार फिश करी बनाना हम शुरू करते हैं। फिश करी बनाने के लिए हमें चाहिए आधा किलो मछली, ये 5 पीसेस हैं और इनका वज़न आधा किलो से थोड़ा ज़्यादा है यानी 550 ग्राम है। इसमें थोड़ा सा नमक स्प्रिंकल कर दें और नींबू का रस। टर्न करके फिर से नमक डाल दें, नींबू का रस, नमक और नींबू के रस से इन्हें कोट कर लें। कोट करके साइड में रख दें, इसे साइड में रख दें। नेक्स्ट हमें चाहिए टैमरिंड पल्प यानी इमली का पल्प। 30 ग्राम इमली ले लें या मुट्ठी भर भी ले सकते हैं। पानी में 10 मिनट के लिए रख के अच्छे से मैश करके छान लें, ये पल्प रेडी हो जाएगा। इसे भी साइड में रख देते हैं। आखिर में हमें टमाटर का पेस्ट चाहिए, ये 3 बड़े साइज के टमाटर का पेस्ट है। इसे भी बना के रेडी रख लें, करी बनाने में आसानी हो जाएगी। चलिए अब मछली का सालन बनाना शुरू करते हैं। अब एक वेजल ले लें जिसमें हमें मछली का सालन बनाना है। इसमें तेल डाल दें, 4 से 5 टेबलस्पून डालिए, अच्छे से गरम कर लें। फ्लेम को हाई पे रखिए। तेल गरम हो चुका है, इसमें डालिए 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून राई, थोड़ी सी मेथी 1/4 टीस्पून, सॉटे कर लें 20 सेकेंड के लिए। 2 मीडियम साइज की चॉप्ड मिनी प्याज डाल दें। रंग बदलने तक फ्राई करते जाइए। प्याज का रंग बदल गया है, इसमें 4 से 5 कटी हुई हरी मिर्च डाल दें और इसी के साथ बहुत सारे करी पत्ता, चलिए फ्राई कर लें। हम इसमें 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल देते हैं, लेकिन ऑथेंटिक नेल्लूर स्टाइल फिश करी में अदरक लहसुन का पेस्ट नहीं डाला जाता। आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। अदरक लहसुन की कच्ची भू जाने तक भूनते जाइए। थोड़ा पानी डालिए और अदरक लहसुन का पेस्ट जल जाएगा। अब फ्लेम को लो पे रख दें और इसमें थोड़ी सी हल्दी डाल दें, 1/2 टीस्पून, 1.5 टीस्पून धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर 2 टीस्पून भर के, थोड़ा सा नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लें। इसमें थोड़ा पानी डालिए और अच्छे से पकाइए। इस तरह से करने से मसाले नहीं जलते। इसे अच्छे से भूनने के बाद हम इसमें टमाटर का पेस्ट डाल देते हैं। ये 3 बड़े साइज के टमाटरों का पेस्ट है। टमाटर की कच्ची भू जाने तक इसे पकाते जाइए। फिर से टमाटर को अच्छे से भूनने के बाद इसमें इमली का पल्प भी डाल दें। अगर आपको ये ज्यादा खट्टा नहीं पसंद तो इमली का पल्प आप कम डाल सकते हैं, लेकिन ये ग्रेवी खट्टी ही बनती है, तभी मजा आएगा। फिर से इसे भून लें, हाई फ्लेम पर 1 से 2 मिनट के लिए भूनते जाइए। इसे देख सकते हैं आप, टमाटर अच्छे से भून चुके हैं और तेल भी साइड्स में नजर आ रहा है। इस तरह से हमें भूनना है, तभी इसका लुक बहुत जबरदस्त आता है और
टेस्ट भी। चलिए इसमें पानी डाल देते हैं। पानी एक गिलास भर के डाल दें या डेढ़ गिलास भी आप डाल सकते हैं, क्योंकि इसी में हमें मछली को गलाना है। फ्लेम को हाई पे रखिए और इसे थोड़ा सा पकने दें, एक मिनट या दो मिनट के लिए। फिर से नमक डाल दें। एक से दो मिनट हो चुके हैं, इसमें मछली डाल दें। फ्लेम को हाई पे रख दें। अब हमें इसमें ज्यादा स्पून नहीं डालना है, वरना मछली टूट जाएगी। एक मिनट के लिए हाई फ्लेम पे अच्छे से पकाने के बाद अब फ्लेम को मीडियम टू लो पे रख दें। मीडियम टू लो फ्लेम पर ही हम मछली गलाएंगे, तभी बहुत ज्यादा टेस्टी बनेगी मछली और ग्रेवी भी साथ में। मछली गलने के लिए सिर्फ एक 5 मिनट लगते हैं, इसीलिए हम लो फ्लेम पे 5 से 8 मिनट के लिए रख देते हैं। बहुत ही खुशबूदार, जबरदस्त और टेस्टी फिश करी हमारी रेडी है। थोड़े से धनिया के पत्तों के साथ इसे गार्निश कर लें। थोड़ी सी काली मिर्च डाल दें, 1/2 टीस्पून। और आखिर में हमें इसमें एक स्पेशल मसाला पाउडर डालना है। इसमें हम यूज करेंगे धनिया, जीरा, राय और मेथी के सीड्स। इन स्पाइसेस का रेशियो आपको बता देती हूँ। 2 टेबलस्पून धनिया, 2 टेबलस्पून राय, 2 टेबलस्पून जीरा और मेथी के सीड्स बस 1/4 टीस्पून। सभी को हल्का सा रोस्ट करके ग्राइंड कर लें। इसे भी डाल दें, बहुत बहुत अच्छी खुशबू आती है इसकी। और मिक्स कर लें धीरे से, स्पून मत डालिए, बस इसी तरह आपको मिक्स करना है। बंद करके गर्मा गर्म इसे चावल के साथ सर्व कर लें, बहुत बहुत टेस्टी होगा। देखिए मछली कितनी टेस्टी लग रही है। इसमें मैंने रोहू मछली का इस्तेमाल किया है और ग्रेवी भी देखिए बहुत बहुत यम्मी है। मछली को आपको बहुत ज्यादा जेंटली निकालना है, वरना टूट जाएगी। अगर आपने अभी तक चैनल कुक विद फेम सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें। बेल आइकॉन जरूर प्रेस करिए, ऑल भी सेलेक्ट कर लें नोटिफिकेशंस के लिए, तभी आपको मेरे अपलोड्स के नए नोटिफिकेशंस मिलेंगे, वरना नहीं मिलेंगे। और कमेंट में ज़रूर बताएं ये फ़िश करी की रेसिपी आपको कैसी लगी। लाइक करें अगर वीडियो पसंद आए तो, इस वीडियो के लिंक को शेयर ज़रूर करें।